अस्सलाम वालेकुम अजीज़ वीवर और अजीज़ तालिब इल्मों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्म कटिंग ऑन लेथ मशीन फाइंड अ चेंज गियर। यानी आपने ये वर्म काटना है टूल से, लेकिन एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको गियरों को चेंज करना है। तो अब आप ये देखिएगा, सबसे पहले तो मैं ऊपर का वैल्यू मैं समझा दूँ आपको कि पाई अपॉन वन इंच, इसका मतलब है तकरीबन 100% एक्यूरेट नहीं, तकरीबन। तो जो इसकी जो वैल्यू है पाई अपॉन वन इंच की, ये वैल्यूज आपने लेनी है। ये 4 पॉइंट नहीं है, इसके बाद ये है कि 4 अलहदा है, 95 अलहदा है। इसी तरह 5.19 अलहदा है, 32 अलहदा है, ये पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक उन्होंने हमने एक बता दिया कि अगला इंसान 24 है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखें पाई की वैल्यूज 1/इंच के अंदर लिखी गई है। अच्छा, इसमें जब आप गेयर चेंज करेंगे तो जो भी आप वर्म काटेंगे उसमें हर वैल्यू के नीचे लिखा है कि 1 मीटर के अंदर इतने मिलीमीटर का एरर आता है, ठीक है, ये बड़े काम की चीज़ है। चले जी, अब हमारे पास ये वर्म काटना है। हमने पिच इसकी 1 mm, लीड स्क्रू है 4 चूड़ी/इंच का। अब हम इसकी गियर कैलकुलेशन निकालेंगे के लेथ के ऊपर गियर कौन से आएंगे। वन, मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड 25.4। अब इस 25.4 को हमने कैसे लिखना है, ये देखिए, इस 4 को मैं पाई के साथ ले जाऊंगा, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे आ जाएगी वैल्यू पाई 25.4, ठीक है, ये कुछ ऐसे होगी वैल्यू। अब देखें ये पाई है, ये 25.4 है, ये पाई है, ये 1 इंच है, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि मैं अप्रोक्सीमेट जो पाई की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ कौन सी, देखें मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब आप देखिएगा के जेड ए जेड बी पाई 4 25.4, इसकी वैल्यू मैंने क्या ली है 5.19, 32, 24, ठीक है। अब जब वैल्यू ये ले ली है तो अब ये जो 4 है, ये 4 चूड़ी/इंच का है, ये मैं यहां लिख दूंगा 4 × 4, 4 × 8 = 32। अब आ गई हमारे पास वही वैल्यू, ठीक है। अब मैं ये हिस्सा रिमूव कर रहा हूं, तो अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसको करेंगे, यह आ जाएगा 95, पहले इसको करा फिर इसको करा, 80 ×
60, ये गियर रेशो बन रहा है। यानी जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास रेशो सेम यही आना चाहिए, पाई 1 इंच की वैल्यू। तो देखें ये जो गियर है, ये वाला गियर जेड ए, ये आ जाएगा स्पेंडल पर, जेड बी हमारा आ जाएगा, जेड बी जेड सी ये दोनों लग के चलेंगे, ये इसको चलाएगा, ड्राइवर ड्रीवन, ये गियर आपका लीड स्क्रू पर आएगा, जेड डी। तो आपकी जो चूड़ी जो वर्म कटेगा वो 1 mm पिच का कटेगा। इस चीज़ को देख लें, ये थोड़ी मुश्किल ज़रूर है आपके लिए होगी, लेकिन जब आप एक दो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। याद रखिएगा कि ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे जिस तरह पहले हम गियर के साइज गियर के तीत उठाते थे, ऐसे ही आपने उठाना है, इसी को ऐसे ही उठाना है, एक्सरसाइज करें। मैंने अभी वो चीज़ स्किप करी है ताकि आप इसको यहाँ 5/8 को आप मल्टीप्लाई करें, एक ऐसे अदस्य के ऊपर 25 आ जाए, नीचे 80 आ जाए, ठीक है, या आपस में मल्टीप्लाई करें। ये अब आप पे डिपेंड है, ये आपका असेसमेंट है कि आपको कौन से अदस्य से इसको मल्टीप्लाई करके साइज उठाने, ठीक है। ये मैं आपको असेसमेंट दे रहा हूँ कि इसको आप हल करें, लेकिन गियर आपके यही आएंगे, तो आपका चेंज गियरिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये गियर आप लगा के वर्म काट सकते हैं, ये न्यू चीज़ है बहुत, और बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ ही शाहिद निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।